हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 22 दिसंबर 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएगी। तो ऐप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि मेहनत से मिला जो फल होता है उसका स्वाद किस्मत से मिलने वाले फल से ज़्यादा मीठा होता है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि अगर आप मेहनत करके कोई सफलता प्राप्त करते हैं और कोई चीज़ तुक्के में किस्मत से आपको मिल जाती है, तो जो तुक्के में मिली हुई चीज़ होती है उसका ना तो आपको इतना मज़ा आता है, न वो चीज़ आपको उतनी अच्छी लगती है, न वो आपको संतुष्टि देती है। तो संतुष्टि केवल और केवल मिलती है अपने मेहनत वाले किए गए काम से। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था विश्व बैंक के प्रमुख कौन है, तो विश्व बैंक के प्रमुख वर्तमान में डेविड मालपास है। और इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से जो उत्तर आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया शिवानी यादव का उत्तर है, और दूसरा उत्तर है वर्षा अग्रवाल का, और तीसरा उत्तर है जीके के नाम से इनका कमेंट था। तो आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर आए, आपके कमेंट यहाँ पर आए, तो वीडियो को अंत तक देखो और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो, और जिनका उत्तर पसंद आता है उत्तर को लाइक करो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे, और यह है दादर और नगर हवेली, और दादर और नगर हवेली के साथ में दमन और दीव इसमें है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अतुल कर्णवाल हैं। तीसरा प्रश्न है कि पूर्व न्यायाधीश सीवी रामुलु किस राज्य के पहले लोकायुक्त बनाए गए हैं, तो ये तेलंगाना के पहले लोकायुक्त बने हैं। और चौथा प्रश्न है कि किस देश के पूर्व शिक्षा मंत्री हसन दियाब प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पाँचवा प्रश्न है कि भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, और ये मान्यता दी है अफगानिस्तान ने। और छठवां प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन के रूप में नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में, तो ये सेथुरमन पंचनाथन है। सातवां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक के साथ किस राज्य की सड़कों के लिए 49 करोड़ के ऋण समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है, और ये हस्ताक्षर किया है मध्य प्रदेश ने। वहीं आठवां प्रश्न है कि ITF विश्व चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो महिला वर्ग में एस्ले बार्टी और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। नवा प्रश्न है IPL में कौन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं, और ये हैं पैट कमिंस। और दसवां प्रश्न है कि किसने कटर इंटरनेशनल कप के भारत तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, और ये जीता है साइखोम मीराबाई चानू ने। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इस सूची में पहले स्थान पर हैं विराट कोहली, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए इनकी क्या है, तो फोर्ब्स ने जारी की है टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की सूची भारत की, और इसमें विराट कोहली नंबर वन पर आ गए हैं। पिछले साल की बात करूं जिसमें सलमान खान नंबर वन पर थे, तो सलमान खान को पीछे छोड़ा और पहला स्थान विराट कोहली ने हासिल कर दिया। इस बार सलमान खान तीसरे स्थान पर चले गए हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, तो अक्षय कुमार, तीसरे पर सलमान खान, और चौथे पर इसमें अमिताभ बच्चन हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि किस देश के प्रधानमंत्री ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के द्वारा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ये 19 से 20 दिसंबर को भारत की यात्रा पर ये थे, और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, हैदराबाद हाउस में बैठक हुई थी, और ये पुरस्कार दिया जाएगा हर साल। पहले साल का पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा। बात करेंगे पुर्तगाल की, इसकी राजधानी देख लीजिए लिस्बन है, और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। मुद्रा यहाँ की पुर्तगाली स्कूडो होता है, और एक इंडियन रुपीस में लगभग 1.25 पुर्तगाली स्कूडो होते हैं। मैप में मैं आपको पुर्तगाल लेके चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको पुर्तगाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में, और पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज कलर का, ये देश पुर्तगाल है, और ये पुर्तगाल वही देश है जहाँ से वास्को डी गामा चलकर भारत पहुँचा था 1498 में। पुर्तगाल की राजधानी देखेंगे तो लिस्बन जो है ये पुर्तगाल की राजधानी है, और इसकी सीमा बगल में स्पेन के साथ में लगती है, और इधर अटलांटिक महासागर है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है कि भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। तो इंद्र युद्ध अभ्यास ये जो आयोजित हुआ था भारत और रशिया के बीच में, और ये संपन्न हो गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो कहाँ संपन्न हुआ है और इसकी क्या डिटेल है? तो भारत और रूस के बीच में 10 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में त्रिसेवा युद्ध अभ्यास इंद्र, इसका आयोजन किया गया, और ये अभ्यास आयोजित हुआ झांसी, पुणे और गोवा में, जो संपन्न हो चुका है। इंद्र अभ्यास की बात कर लेते हैं तो ये नौसेना अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था 2003 में। 2014 में वायुसेना ने इसमें ज्वाइन किया, वायुसेना के साथ में एवीआई इंद्र के नाम से, और 2017 में फिर पहली बार त्रिसेवा अभ्यास के रूप में, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये आप याद रखिएगा, त्रिसेना अभ्यास में तीनों सेनाएँ हिस्सा लेती हैं। बात रूस की करेंगे, जिसके साथ हमने आयोजित किया था। रूस, इसकी राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन हैं, और एक रूबल के अंदर लगभग 1.10 इंडियन रुपीस होते हैं, जो कि यहाँ की मुद्रा है। मैप में आपको मैं रूस लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत, और हमारे भारत से रसिया जाना है तो ये ऊपर चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर ये ग्रीन कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, यही रूस है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इधर बेरिंग जल संधि से ये शुरू होता है तो इस तरफ यूरोप तक ये पहुंच जाता है, राइट। रूस जो है दो महाद्वीपों में पड़ता है, इसका बहुत काफ़ी हिस्सा जो है एशिया में पड़ता है, और एक हिस्सा इसका जो है यूरोप में आता है। इसकी राजधानी जो है मॉस्को, वो यूरोप में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि किस देश की संसद ने यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के पक्ष में मतदान किया है, और ये मतदान किया गया है ब्रिटेन के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसके निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने यानी ब्रेग्जिट का जो प्रस्ताव था उसको प्रारंभिक अनुमति दे दी है, और इसके साथ 31 जनवरी 2020 से ईयू से ब्रिटेन के अलग होने का रास्ता साफ इसके बाद हो गया है। अब इससे पहले की जो कंजर्वेटिव सरकार थी वो लगातार कोशिश कर रही थी बहुमत प्राप्त, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। चार बार वो इस मामले में विफल रही थी, और उसके बाद थेरेसा मे और तमाम मुख्यमंत्रियों ने इसके बाद प्रधानमंत्रियों ने वहाँ की क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। अब हाल ही में चुनाव हुए हैं, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने हैं, और उसके बाद ये अनुमति मिल गई है। बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है जो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है, एक पाउंड स्टर्लिंग में लगभग 90 इंडियन रुपीज़ होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको ब्रिटेन लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप यूरोप जाएंगे, और यूरोप में ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है, यही यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। यूके एक्चुअल में चार देशों का एक परिसंघ है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्कॉटलैंड है, यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तरी आयरलैंड है, ये वाला हिस्सा वेल्स कहलाता है, और इधर जहाँ लंदन है, लंदन के आसपास वाला क्षेत्र जो कहलाता है वो इंग्लैंड कहलाता है। इस देश की राजधानी देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी इंग्लैंड है, और इसके पास में इधर फ्रांस है जिनके बीच में इंग्लिश चैनल है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि लोग तैर के पार करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला पांचवा प्रश्न है कि सीमा के मुद्दे पर भारत और किस देश के बीच में विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक आयोजित हुई है, और नई दिल्ली के अंदर ये बैठक आयोजित हुई भारत और चाइना के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत चीन सीमा विवाद पर विचार विमर्श करने के लिए दोनों देशों के बीच में विशेष प्रतिनिधियों ने बैठक की, और ये बैठक नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रारंभ हुई है, और इस मुद्दे पर दोनों देशों की ये 22वीं बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैठक, और इसमें भारत का जो शिष्टमंडल है या भारत की जो टीम है उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और चाइना की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। बात चाइना की करेंगे तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी या युआन है, और एक रेनमिनबी युआन के अंदर लगभग 10 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको
चाइना जाना है तो ऊपर की तरफ मूव करना होगा, और ऊपर ये जो रेड कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना है, जिसकी राजधानी आप देखेंगे बीजिंग, ये चाइना की राजधानी यहाँ पर स्थित है। अब चाइना के साथ भारत की सीमा देखेंगे तो काफ़ी लंबी सीमा लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश है जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना कहता है कि ये उनकी जगह है जबकि ये भारत का शहर भारत के पास में ही है। तो एक तो सीमा विवाद यहाँ पर है, यहाँ पर मैकमोहन रेखा जिसको चाइना मानने से मना करता है, और कुछ सीमा विवाद यहाँ पर है, ये जो अक्साई चीन है इस हिस्से को जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है भारत का हिस्सा, इस पर 1950 के बाद से चाइना का कब्जा है, और ये भारत का हिस्सा जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ। तो भारत और चाइना के बीच में इस प्रकार से सीमा विवाद है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये छठवां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में 2+2 की दूसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई है, और ये संपन्न हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन है वहाँ पर 2+2 की वार्ता संपन्न हुई है, और इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो बात हुई है उस पर विशेष चर्चा हुई है, और बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर थे, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस बैठक में भाग लिया। बात करेंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है, और एक यूएसडी में लगभग 72 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो भारत अमेरिका के जो अमेरिका है वो भारत के जस्ट पीछे, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये भारत है, और इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो ये अमेरिका है, राइट। और अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर देखिए ये वाशिंगटन डीसी है जो अमेरिका की राजधानी है। 50 राज्य हैं, और अमेरिका का एक राज्य जो अलास्का है वो यहाँ पर स्थित है, जो अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है, लेकिन ये भी अमेरिका का ही भाग है। इधर ये बेरिंग जल संधि के साथ में देखेंगे तो पास में इसके रशिया आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सातवां है कि फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत के वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत की जो विकास दर का अनुमान था उसको कम करके कितना कर दिया है, और इसको कम करके कर दिया गया 4.6%, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो फिच रेटिंग एजेंसी ने 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी के वृद्धि दर अनुमान को 7.8% से कम करके 4.4% कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा ये गैप किया है, और फिच रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इनके द्वारा 2019-20 का जो विकास अनुमान था वो 7.7% लगाया गया था, उसको घटाकर 5.7% भी कर दिया गया है। अब ये फिच रेटिंग एजेंसी क्या है, तो विश्व की तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक हैं, जो दूसरी रेटिंग एजेंसियां हैं वो मूडीज़ है एक, और मूडीज़ ने भी भारत की जो रेटिंग्स हैं वो घटाई थी, या जो जीडीपी अनुमान दर है वो घटाई थी, और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर से ये क्या करती हैं, ये देशों को कंपनियों को रेटिंग्स देने का काम करती हैं कि इनकी आखिर कितनी क्रेडिट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आठवें प्रश्न की कि फीफा ने वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, और ये सम्मानित किया गया है बेल्जियम की टीम को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो फुटबॉल की नियामक संस्था है फीफा, और फीफा ने बेल्जियम को 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के रूप में पुरस्कृत किया है, और बेल्जियम जो है इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर है। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस दूसरे नंबर पर है, और ब्राज़ील इस रैंकिंग के अंदर तीसरे नंबर पर है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 108वें नंबर पर है। फीफा की बात करें तो फीफा ने मूवर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से इस बार जो किया है वो कतर को सम्मानित किया है, और कतर में याद रखिएगा कतर में 2022 का फीफा विश्व कप भी आयोजित होना है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, और अब बात करेंगे हम आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि SBI के अध्यक्ष कौन है, तो SBI के बारे में आपको बताना है, और भी जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें आप SBI के बारे में बता सकते हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और आज की बात करेंगे यहीं समाप्त, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।